बच्चों, हम लोग क्लास 11th के सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर पावर सेट किसको कहते हैं। ठीक है, तो पावर सेट होता क्या है ना, कि कोई भी अगर एक सेट हो तो उस सेट में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं उसको अगर हम लोग एक बक्से में डाल दें, कंबाइन कर दें, तो वो उसको हम लोग कहेंगे क्या, पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, समझ में नहीं आया, समझो, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सपोज एक सेट ए है जिसमें एक एलिमेंट 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या कहेंगे, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्या क्या हो सकता है वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो एक तो पता है कि फाई क्या होता है, जितने भी सेट होते हैं सबका एक मेंबर होता है, तो एक हो गया फाई, ठीक है, जिसको कि नल सेट कहते हैं। दूसरा क्या, ये हो गया 1 भी सबसेट होगा ए का, तो ये सबको एक साथ अगर हम लोग लिख दें तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पावर सेट ऑफ ए। एक और एग्जांपल ले लो, सपोज बी एक सेट है जिसमें 1 और 2 मेंबर है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग पावर सेट ऑफ बी ये निकालना चाहेंगे हम लोग, तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ बी इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ बी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, एक तो 1, फाई तो होगा ही होगा, ये कंफर्म है, 1 भी शामिल होगा, ठीक है, 2 भी एक सबसेट होगा, इसको अलग कर लिए, 1 और 2 को भी हम लोग लिख लिए, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब समझिए इसको कि आखिर पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, इफ अ सेट हैज एन एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट इज गिवन बाय 2 to the power n। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पर क्या था, ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट वो कितना होगा, 2 to the power 1, मतलब 2 हुआ ना, 2 फाइव और ये। ठीक है, यहाँ पर क्या था, n का वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b इज इक्वल टू 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ b ये निकालेंगे हम लोग, तो क्या 2 to the power 2, दैट मीन्स 4, तो हुआ ना 4, 1, 2, 3, 4, और दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, और नेक्स्ट है हम लोगों का यूनिवर्सल सेट। आखिर यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स में जितने भी सारे कुछ अब मिल जाएंगे उनका सेट यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। मतलब हुआ क्या, सपोज कि एक सेट ए है 1, 2, 3 इस तरीके से, 1, 2, 3, 4 तक मान लेते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल को सिंपली इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, डिनोटेड बाय यू से। ठीक है, या फिर किसी किसी बुक्स में आपको मिल जाएगा से या फिर एस से। ठीक है, अधिकतर आपको यू मिलेगा, कोई घबराना नहीं है, जानकारी होनी चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट
आपको क्या मिल जाएगा, ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल्स नंबर 3, नेचुरल नंबर 2 इन्फिनिटी तक। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एक रेक्टेंगुलर शेप से, ठीक है। और रेक्टेंगुलर में जितने भी जिस सबसेट की बात होगी उस सबसेट को सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिंपल ऐसे भी कुछ नहीं लिखा, तो ये ऐसे यू मतलब ये रेक्टेंगुलर जो रीजन है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। आप कहेंगे क्या, एग्जाम्पल, ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, ये क्या है, एक सेट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट हम लोग किसको कह सकते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हम लोग क्या कहेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सेट ऑफ इवन नंबर्स है 2, 4, 6, 8, 10, ये एक सेट है। दूसरा एक सेट क्या है बी, वो है 6, 8, 10। अब इसको अगर यूनिवर्सल सेट में दिखाना चाहें तो इसी से समझ लीजिए कि ये सेट है किसका, ऑल नेचुरल्स का 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेट ए को हम लोग क्या निकालेंगे, ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। दूसरा सेट क्या है बी, 6, 8, 10, तो ये हो गया 6, 8, 10, ये हो गया ए और ये है बी, तो यहाँ भी क्या हो गया, बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है। तो ये मीनिंग हुआ किसका किसका, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट का। इसको आगे हम लोग अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उस पर इसकी बात करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।